हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। ऑल राइट, तो देख लो यहाँ से स्टार्ट होता है हुगली रिवर स्टार्ट। फाइनली हम लोग रिवर के नीचे से भी जा रहे हैं, देख लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आपको ही पता होगा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैं कल कवर करने के लिए गया था पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसपे ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अभी सुबह का हो रहा है ऑलमोस्ट 8:15। हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सी ले लिया, जा रहे हैं हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन वापस से। किस लिए जा रहे हैं, किस लिए नहीं, एक इम्पोर्टेंट काम होने वाला है। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाइक एक्सक्लूसिव है वो, लेकिन पता नहीं परमिशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि परमिशन तो है उसलिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग का परमिशन मिलेगा कि नहीं वो सबसे बड़ा बात है। क्या लगता है भाई, करते हैं बातचीत, करिए तो करेंगे, देखते हैं। मजा आएगा अगर हुआ तो मजा आ जाएगा। तो लो जी, अभी हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गए, न्यू कॉम्प्लेक्स के पास हमें आने के लिए बोला गया था। अभी पहुंच तो गए, देखो फिर आगे का क्या अपडेट रहता है, जैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली आज हमारा जर्नी होने वाला है, और कोई ट्रेन से नहीं, आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं अंडर वाटर मेट्रो से। हम लोगों को परमिशन तो ऐसे मिल गया है, लेकिन हाँ आगे का जो भी अपडेट रहता है मैं देता हूँ आपको। सुबह सुबह तो हम लोग आ गए थे, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ जूस एंड ढोकला हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। वैसे आपको ही पता है, जब भी मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन आता हूँ ना, तो सेंधा जरूर आता हूँ मैं, जब भी मेरे को न्यू कॉम्प्लेक्स में आना होता है। तो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है ये, अच्छा खाना मिलता है। ऑलराइट जी, अभी तक तो ऐसा लग रहा है परमिशन हमें मिल चुका है और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स हावड़ा मेट्रो। अभी हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ये बस में मैक्सिमम रेलवे ऑफिशियल्स हैं। अरे मोहित भाई, ये तो अभी पिक्चर वही बोलता हूँ, अभी शुरुआत अभी देखते रहो कहाँ का कहर मचाना है, और आपका सपोर्ट चाहिए बस। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम बहुत कुछ कर देंगे। सपोर्ट मिलेगा ना तो लोग अच्छे मिलेंगे। हाँ, जैसे अपने अंशुमन भाई मिले, वैसे लोग मिलते रहेंगे और केयर करते रहेंगे। भाई बरहमपुर से घुमाना है, एक दिन आप मेरे लिए छुट्टी लेना भाई, प्लीज। पूरा हम लोग अच्छे से पूरा घुमाना फिर आप हमें, ठीक है जी। देख लो, और आज के टाइम में बहुत देर मिलते हैं, लोग मजाक नहीं कर रहे। चलो बस हम लोग पहुंच ही गए हैं, बस से उतरते हैं। इंस्ट्रक्शन को उतरना होगा भाई, ऐसा नहीं कि बस रुका आप उतरना स्टार्ट हो गए। तो देख लो जी, बस ने हमें ये हावड़ा मैदान ड्रॉप कर दिया है। अभी सबको ही जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, यहाँ से कभी सोचा नहीं था ऐसा भी टाइम आएगा, रेलवे ऑफिशियल्स के साथ घूम रहा हूँ मैं। तो देख लो जी, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन, जो कि आप बोल सकते हो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है। ऑलराइट, तो पासेस हमें मिल चुका है देख लो, और यहाँ पे अभी हमें फिल करना पड़ेगा लाइक मीडिया हाउस नेम, मोबाइल नंबर, ये सब। आज भाई हम लोग शूट करने जा रहे हैं वन ऑफ द एक्सक्लूसिव वीडियो। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 12 अप्रैल को, और ये इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। मेट्रो तो आपने बहुत देखी होगी, बट अंडर वाटर नहीं। हाँ, और ऐसा मत समझना कि अंडर वाटर मतलब वो जैसा एक फेक फोटो सा वायरल होता है ना, वो एक ऐसा ट्यूब बना हुआ है, वैसा नहीं है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोग अंदर का, और एज अ मीडिया पर्सन हम लोगों को साइन किया गया है तो अंदर रिकॉर्डिंग तो अलाउ होगा। अभी तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो दिखाएंगे अच्छे से आपको, ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। यहाँ पे सारे मीडिया पर्सन भी आ गए हैं और हम लोग भी रेडी अंदर जाने के लिए। बाकी अंदर क्या है नज़ारा क्या नहीं सब दिखाते हैं अंदर जाके। ऑलराइट, तो देख लो सभी कोई अंदर जा रहे हैं अभी। तो लो जी, फर्स्ट टाइम हम लोग एंटर कर चुके हैं हावड़ा मैदान मेट्रो के अंदर। थोड़ी ही देर में हम लोग हुगली रिवर के नीचे से जाने वाले हैं, वो सेक्शन में बता दूंगा कब स्टार्ट होगा, पूरा हमें ब्रीफ किया जाएगा अभी। थैंक यू सर। अंदर आते ही सबसे पहले हमें मिल चुका है ये बुकलेट। थैंक यू वेरी मच। तो देख लो जी, ये हमें ब्रेकफास्ट भी मिल चुका है, हमें वो भी फ्लोरिस की तरफ से पैक करवाया गया है। वो भाई साहब ये काफी सही है। ये देख लो अपना हुगली रिवर, इसके नीचे से हम लोग जाने वाले, कुछ ऐसा टनल है देख लो, ऐसा कुछ टनल बनाया गया है, ईस्ट बाउंड टनल वेस्ट बाउंड टनल, टोटल यहाँ पे दो टनल मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से अपना ट्रेन सबसे पहले हावड़ा जाएगा, हावड़ा मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से देख लो ऐसे होते हुए आएगा ट्रेन अपना। टुडे वी आर असेंबल्ड हियर एट हावड़ा मैदान स्टेशन, मेट्रो रेलवे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू सेक्टर 5, ए सेक्शन ऑफ विच वी विल शो यू टुडे, दैट इज फ्रॉम हावड़ा मैदान टू एस्प्लानेड। दिस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर इज बेसिकली लिंकिंग द ट्विन सिटीज ऑफ कोलकाता एंड हावड़ा, सेपरेटेड बाई रिवर हुगली, एंड अप टू हावड़ा मैदान इट इज टोटली अंडर। हावड़ा मैदान इज देयर एंड वी आर स्टैंडिंग हियर, द सेक्शन फ्रॉम सॉल्ट लेक सेक्टर 5 टू शियालदा हैज बीन ओपन्ड फॉर कमर्शियल सर्विसेज। गाड़ियां चल रही है शियालदा स्टेशन से हावड़ा मैदान तक, काम चल रहा है। एज पर प्रेजेंट प्लानिंग वी इंटेंड टू स्टार्ट कमर्शियल सर्विस एंड ट्रंकेटेड ऑफ कोर्स कमर्शियल सर्विस फ्रॉम स्प्लैनेड टू हावड़ा मैदान। दिस इज द DRM बिल्डिंग, आवर स्टेशन इज हियर, द मेट्रो स्टेशन इज हियर, यू कैन सी हियर द टनल। द टनल इसका जो
depth hai, it is approximately 60, the top of the tunnel is 16 meter from the bed level of the river. And the bed level, that water level average is 13 meter because obviously the water level varies due to high tide and low tide and dry season and wet season. Andar waise garmi bahut zyada hai aur abhi hame ek cheez pata chala ki hamara jo Howrah metro station hai na wo pure world ka deepest station hai. To dekh lo ji, yahan se hame enter karna hai aur yahan pe dekh lo, India's deepest metro station aur sabse main baat 30 मीटर डीप. हमारा जो ये Howrah मेट्रो स्टेशन है ना, सबसे डीप मेट्रो स्टेशन है जो कि 30 मीटर डीप है. बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो. और ये सब कुछ एकदम नया है, देख लो प्लास्टिक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है. भाई इतना एक्सक्लूसिव चीज सब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लो. तो देख लो जी, हमारे इंडिया का ये फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, चलो क्लोज हो गया. सेकेंड वाला ट्रिप हमारा है. निखिल भाई कैसे हो? तो देख लो जी, कुछ ऐसा है अंदर का नजारा, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो. अभी हम लोग नीचे की तरफ तो आ गए हैं, तो अभी जब नेक्स्ट मेट्रो आएगा तब हम लोग उसमें जाने वाले हैं. वो भी कोलकाता इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो. मैं ना गलती से दो उठा रहा था आपके लिए भी. हाँ सर, गलती से जा रहे दो, मैं गलती से दो लेने. चलो जी देखते हैं अंदर में है क्या वैसे, और आपको भी दिखाते हैं. तो देख लो जी, ये हमें फ्लूरिस का बॉक्स मिला है. दिखाते हैं जी क्या मिला है हमें ब्रेकफास्ट में. वाह बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार. हम ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए थे रेलवे लाइन में, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं. सही बात, बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा. बाकी चलो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं अपना. वैसे भी देख लो वाटर बॉटल भी है, और ये है अपना देख लो Howrah मैदान मेट्रो स्टेशन. और एक मेट्रो यहाँ पे खड़ी भी है, देखो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यही अपना Howrah मैदान मेट्रो स्टेशन. और ये हमें मिला है ब्रेकफास्ट, खा के देखो बढ़िया है ना. लाजवाब, एक ही वर्ड लाजवाब. चलो जी, फाइनली अपना मेट्रो आ चुका है. और हाँ एक चीज याद रखना, जब भी खड़े हो गए ये येलो लाइन के पीछे ही रहना. चलो जी फाइनली मेट्रो के अंदर एंटर तो कर गए. कुछ ऐसा नजारा है देख लो, ये कुछ देख लो, सीधे में टनल भी दिख रहा है. अभी देख लो वैसे डोर क्लोज होने वाला है, वैसे केबिन राइड के लिए सारे मीडिया वाले का भीड़ है. ये गेट क्लोज हो गया. और वैसे देख लो Howrah मैदान से निकलने के बाद इसका जो सबसे पहला स्टॉप होगा वो होगा Howrah मेट्रो. ये अपना Howrah स्टेशन है, और ये हो गया महाकरण, जिसको आप बोल सकते हो बीबीडी बाग. और उसके बाद ये जो ट्रेन है रुकेगा इस प्लैनेट. तो अभी हमारा जो राइड है Howrah मैदान से इस प्लैनेट तक का ही है, फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न आएंगे. जय माता दी. फाइनली ट्रेन निकल चुका है अपना, देख लो. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं Howrah मेट्रो स्टेशन. चलो जी अभी करवाते हैं आपको केबिन राइड हमारे इंडिया के पहले अंडर वाटर मेट्रो का. ऑल राइट, तो देख लो यहाँ से स्टार्ट होता है हुगली रिवर स्टार्ट. फाइनली हम लोग रिवर के नीचे से भी जा रहे हैं, देख लो. सर ये कितने मीटर का है सर? 500 मीटर ना. ये टोटल जो डिस्टेंस है ना 500 मीटर का है, लगभग 520 मीटर अप्रोक्स. जो वाटर लेवल है उससे हम 32 मीटर नीचे है. ये डिपेंड करता है हाई टाइड वगैरह पे डिपेंड करेगा. चलो जी केबिन राइड तो आपको दे दिया मैंने, अभी थोड़ा सा मेट्रो दिखा देता हूँ मैं. देखो मेट्रो में उतना कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम मेट्रो है. तो अब जाते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, मेट्रो भी दिखाते हैं आपको. Howrah मेट्रो स्टेशन को बस बनते हुए ही देखता था, आज फर्स्ट टाइम लाइव स्टेशन को अंदर से भी देखा. अभी हम लोग जा रहे थे लास्ट कोच की तरफ, तो भैया जी देख गए प्यारे से स्माइल के साथ छाछ लेकर. तो चलो भैया थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाकी देख लो हमें ये सब चीज तो मिला हुआ है. अभी इसके अलावा देख लो मेट्रो वही है, सेम है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. बट हाँ यहाँ पे मुझे चार्जिंग सॉकेट दिख रहा है, ये चीज मुझे नया दिखा. आपको दोनों लोग एक्सक्लूसिव करवा दे रहे यहाँ पर, गाड़ी चालू होगी मतलब Howrah ब्रिज ऑन द वाटर के जाने चालू करवा दे रहे. आप बुला लेना, हम लोग बैठे हुए फिलहाल, तो अभी साइड में बैठ गए हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है. बाकी सबसे पहले देख लो पानी का भी, ट्रेजरी गर्मी पानी अरेंजमेंट के पूरे नंबर, काफी अच्छा अरेंजमेंट था. बाकी तो आगे देखते रहो, बहुत कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए. फाइनली अभी देख लो हम लोग पहुंच चुके हैं इस प्लैनेट मेट्रो स्टेशन. ये जो है अप टू सियालदह तक है, लेकिन सियालदह वाला सेक्शन अभी चालू नहीं हुआ है ना. ओके, अब इसके बाद आएगा महाकरण, जो की बीबीडी बाग.
फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाकरण रेलवे स्टेशन, जिसको आप बोल सकते हैं बीबीडी बाग। तो यहाँ पे आपको टोटल दो टनल देखने मिलेंगे, एक वेस्ट बाउंड है जो कि उस वाले साइड में, और अभी हम लोग जा रहे हैं ईस्ट बाउंड वाले में। आपको स्पीड लिमिट वहाँ पे दिख रहा होगा 21, अपना जो मेट्रो है अभी 18 या फिर 17 की स्पीड में चल रहा है। ये बस ट्रायल के लिए है, ठीक है। जब इसका नॉर्मल कमर्शियल रन स्टार्ट हो जाएगा तब इसका जो स्पीड है तब 80 हो जाएगा। बस हम लोग कुछ ही देर में हुगली रिवर के अंदर एंटर करने वाले हैं। देखिए अभी ग्रेडिएंट जो है नीचे तरफ जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, नीचे की तरफ जा रहा है। इट मींस हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। तो देख लो जी, यहाँ पे आपको वैसे तो दिख रहा होगा हुगली रिवर एंड्स, बट इसका ये मतलब है ना, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ईस्ट बाउंड से, यहाँ से अपना हुगली रिवर एंड होता है, बट हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा है आपको? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बैंगलोर और मुंबई चला है, तो ये जो है इंडिया का पहला अंडर वाटर कनल है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जैसे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन आप चला रहे हो, भारत का शान है, भारत का हमारा शान है। करेक्ट, देख लो बस हुगली रिवर अब एंड होने वाला है यहाँ से। अभी हम लोग बोला जाए तो हुगली रिवर के नीचे में ही है। कैसा लग रहा है अक्षय? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब ये चालू हो जाएगा तो 10 मिनट के अंदर जा सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा वैसे यहाँ पे हुगली रिवर स्टार्ट, बट हमारे लिए एंड पॉइंट है क्योंकि हम दूसरे वाले डायरेक्शन से आ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, अगर हम हावड़ा मैदान से आ रहे होते तो हमारे लिए ये स्टार्ट पॉइंट होता, क्योंकि अभी एक ही टनल ओपन है मतलब ट्रायल के लिए, दैट्स व्हाई। तो जैसे इसका कमर्शियल स्टार्ट होता है मैं तो अपडेट दे ही दूंगा, आपको ही पता चल जाएगा, एक बार जरूर राइड लेकर देखना। अभी वैसे आने वाला है हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन, मतलब हावड़ा मेट्रो स्टेशन। जो लोग स्टेशन जाने के लिए कोलकाता से आते हो भाई, आप लोग के लिए मतलब एक गिफ्ट मिलने वाला है। ट्रैफिक से बचकर, टाइम बचाकर आप पहुंच जाओगे हावड़ा स्टेशन। अगर इस प्लेनेट से आते हो तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर विद हॉल्ट आप पहुंच जाओगे हावड़ा स्टेशन। और क्या चाहिए बताओ। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देख लो हावड़ा स्टेशन। एंड वंस अगेन मैं रेलवे को थैंक यू बोलूंगा जो हमें इतना एक्सक्लूसिव लाइक केबिन राइड मेरे थ्रू आप भी देख पा रहे हो, जो कि आप शायद ही देख पाओ क्योंकि केबिन में तो हर किसी को आना अलाउ होता नहीं है। ये एक्सक्लूसिव ही मैं बोलूंगा मेरे साइड से। इतने शॉर्ट नोटिस पे खाने का अरेंजमेंट, पीने का अरेंजमेंट, पानी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। थैंक यू सो मच। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देख लो अपने फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हावड़ा मैदान। ये दूसरा टनल है जो मैं बता रहा था ना आपको, वेस्ट टनल, और अभी हम लोग ईस्ट टनल में वापस से आ चुके हैं भाई। तो ये रहा इसका एंड पॉइंट फाइनली। परफेक्टली अलाइन होना चाहिए, नहीं तो डोर देख लेगा। यहाँ से डोर्स ओपन हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सारा जो डोर्स वगैरह है ना, यहाँ से सारा सिस्टम है डोर्स ओपन और क्लोज का। सर ने हमारा बहुत हेल्प किया सर, अपना नेम बता दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, मिलते हैं, फटाफट थंबनेल वगैरह भी क्लिक कर लेते हैं। होप कि आप लोगों को ये मेट्रो राइड अच्छा लगा हो, वो भी एक्सक्लूसिव केबिन राइड। भाई बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। फाइनली अपना मेट्रो राइड हो गया कंप्लीट। वापस से देख लो अभी हम लोग आ गए हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन। तो अभी जाते हैं, बाहर निकलते हैं, एक्चुअली हमें स्टेशन भी जाना है, कुछ काम भी है। और एक चीज आप नोटिस करो, ये जो मेट्रो है अप टू सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाएगा, बट अभी इस प्लेनेट तक ही स्टार्ट हुआ है, फिर अभी सियालदा वाले रूट में थोड़ा काम चल रहा है, देन पूरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने पूरे लाइक आप देख लो अलाइनमेंट्स ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर अंडर KMRCL सॉल्ट लेक सेक्टर 5-2 हावड़ा मैदान। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं घर आया और आके अभी फ्रेश हो गया हूँ मैं, और बाहर भाई साहब इतना गर्मी है ना, लेकिन हाँ चलो अच्छे काम के लिए गए थे तो कुछ गर्मी ठंडा कुछ समझ में नहीं आया। काम यही है ना, काम में बिजी रहोगे तो गर्मी ठंडा का कुछ पता नहीं चलेगा। अगर हाँ काम करने का मन ही नहीं है तब आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि नहीं यार धूप ज्यादा है, बारिश ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, ये सब बात को साइड करते हैं। फिलहाल अभी मैं घर आ गया हूँ इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो राइड लेकर। भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्पेशल फील हो रहा है कि काफी कम लोग अभी तक वो राइड लिए हैं, काफी कम लोगों में मेरा नाम भी है, और इससे ज्यादा खुशी का बात और क्या ही हो सकता है। वैसे तो और भी बहुत सारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था देने के लिए, लेकिन मैं बोला यार वो सब उतना टेक्निकल नहीं जाते हैं, मुझे बस ये मेट्रो राइड दिखाना था आपको। वैसे इनॉग्रल जर्नी भी जब इसका होगा तो भाई जरूर दिखाएंगे आपको, अच्छे से दिखाएंगे। अभी तो अंदर में बहुत सारा काम चल रहा है, तो अभी भी इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपने ये देखा, जब ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा ना तब भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी था अंदर में। फिलहाल होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है आने वाले टाइम में, तो जुड़ जाओ चैनल से, और भी काफी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट सब आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके। तो चलो ये वीडियो का ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इंडियन रेलवे की 170 साल हिस्ट्री में ये एक शानदार लम्हा था जब भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो
कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन से निकली और हुगली रिवर के नीचे से गुजरती हुई एक शानदार राइड मुकम्मल की। गो के अभी ये ट्रायल रन चल रहा है, कमर्शियल रन अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो इसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है वो भारत की 170 साल रेलवे हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। और ये करोड़ों भारतीयों के लिए एक बहुत ही फख्र का वक्त था जब भारत में ये शानदार नज़ारा देखने को मिला कि पहले तो भारत में ट्रैक जो रेलवे के बिछाए गए हैं वो दरियाओं के ऊपर बिछाए गए हैं। ये आज के भारतीयों के लिए बहुत ही शानदार लम्हात हैं कि भारत में पानी के अंदर भी मेट्रो चलाई जा रही है जो तकरीबन 13 मीटर की गहराई के साथ है, और भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ भारत में दुनिया का बुलंद तरीन सुरंग यानी टनल भी बनाया जा रहा है, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। और भारतीय रेल लवर्स के लिए ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो उसके गर्व को गर्मा देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर हम कलकत्ता की इस खास अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो ये बिल्कुल एक अजूबे की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, और जब शुरू शुरू में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया होगा तो उस वक्त लोगों को ये बात दीवाने का ख्वाब लगती होगी, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत ने और भारतीय सरकार की तनदही के साथ इस सारे मामलों पर नज़र रखने की वजह से आज वो दिन बिल्कुल आ चुका है। गो के अभी कमर्शियल रन शुरू नहीं हुए और वो सारी ठाट बाट अभी तैयार नहीं हुई, और ना ही मेट्रो अभी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रही है, लेकिन वो वक्त भी अब ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो इब्तदाई तैयारियाँ हैं वो सारी मुकम्मल कर ली गई हैं और मेट्रो का रन चलाया भी जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त लम्हा है भारत के रेलवे लवर्स के लिए। भारत में कलकत्ता ही पहला शहर था जहाँ 1984 में मेट्रो चली थी, और आज कलकत्ता के पास हावड़ा, बल्कि उसको कलकत्ता का हिस्सा ही कह सकते हैं, वैसा शहर बन गया जहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली थी। गो के जो ज़्यादा तरक्की की थी मेट्रो ने वो साल 2002 में दिल्ली मेट्रो के बाद की थी, लेकिन 1984 में बुनियाद इसी कलकत्ता शहर में पड़ी थी, और आज 2023 में अंडर वाटर मेट्रो की बुनियाद भी इस शहर ने रख दी है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या अजूबे बनते हैं, क्योंकि मुंबई में भी जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है उसका कुछ हिस्सा अंडर सी भी जाएगा। तो ये एक नया दौर है और भारतीय रेल लवर्स के लिए एक शानदार बात है। मीडिया पर्सन को इस शानदार लम्हात की रिकॉर्डिंग के लिए रसाई दी गई, और जब ये कमर्शियल रन शुरू होगा फिर तो हर खासो आम की यहाँ तक रसाई हो जाएगी, और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, क्योंकि हावड़ा ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और हावड़ा ब्रिज जो हुगली रिवर के ऊपर है, वैसे ये मेट्रो भी हुगली रिवर के नीचे है, और जो अगर दरिया के ऊपर वाला पुल है हावड़ा ब्रिज, वो भी एक शानदार शाहकार है तामीर का, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है ट्रैफिक का। लेकिन इस मेट्रो के बनने की वजह से हावड़ा और कलकत्ता के दरमियान जो हुगली रिवर का एक गैप था, एक फासला था, एक खलीज थी, वो अब कम हो जाएगी, और सिर्फ 10 मिनट में कलकत्ता से हावड़ा या हावड़ा से कलकत्ता पहुंचा जा सकेगा। तो कलकत्ता को वैसे भी हावड़ा स्टेशन ही ज़्यादा इसके पास लगता है और भारत के बड़े स्टेशनों में शुमार किया जाता है, और जो ये वाला स्टेशन दिखाया जा रहा था जो ज़ेर ज़मीन स्टेशन है, इसकी गहराई भी अच्छी खासी बताई जा रही थी। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो चल चुकी है। वैसे पहले तो मुझे भी यही ख्याल था कि शायद कोई ऐसा शीशे का माहौल होगा और हर तरफ पानी दिखाई देगा, लेकिन वो एक वीडियो ऑनर कह रहे थे वो कोई फेक तस्वीर थी, हकीकत में बाहर पानी तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस बात की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि यह सारी सुरंग पानी से बचने के लिए दरिया के अंदर ही बनाई गई है। भारत में बहुत सारी मेट्रोज देखी हैं, बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स देखे हैं, लेकिन ये अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल एक मुनफरद चीज़ है, और इस वजह से इसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। आपके जितने का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें, बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रशन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।